अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उम्मल नाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनाटॉमी ऑफ नोज़। एनाटॉमी ऑफ नोज़ में द फर्स्ट वन हम जो स्टडी करेंगे एक्सटर्नल नोज़ के बारे में, उसके बाद हम नेज़ल कैविटी को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम पैरा नेज़ल साइंसेस के बारे में स्टडी करेंगे और इसी में हम कम्प्लीट स्ट्रक्चर ऑफ नोज़ को देखेंगे आज की वीडियो। द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल नोज। एक्सटर्नल नोज में हम देखेंगे कि ये एक ट्राइंगुलर शेप है जो कि आपको बिल्कुल जो बाहर की जो ऑब्वियस स्ट्रक्चर ऑफ नोज है उसको हम एक्सटर्नल नोज कहते हैं। ये ट्राइंगुलर शेप होती है और ये प्रोजेक्शन की फॉर्म में है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द फेस पे लाई करती है और ये बोन और कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई है। इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इसको हम ऑस्टियो कार्टिलेजनियस फ्रेमवर्क कहते हैं, ठीक है। और ये मसल्स और स्किन इसको कवर कर रही होती है, डिफरेंट मसल्स हैं और फिर उसके बाद हमारी जो स्किन की लेयर है उसको कवर करती है ताकि जो है वो जो एक्सटर्नल नोज है वो प्रॉपरली अपनी एक स्ट्रक्चर में रहे। आगे हम इसके बोन्स को, इसके कार्टिलेजेस की सारी लाइनिंग देखेंगे, हम मसल्स देखेंगे इसके अंदर, ठीक है, हम साइनसिस को स्टडी करेंगे तो वो आपको बड़ा ही क्लियर हो जाएगा कि जो कम्प्लीट स्ट्रक्चर ऑफ नोज है वो क्या है। अब इसके बाद हम एक्सटर्नल नोज की बिल्कुल उसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे और कंप्लीट डायग्राम में आपको शो होगा, हर पार्ट को मेंशन भी किया जाएगा। सबसे पहले है रूट ऑफ द नोज, जो कि ये मेंशन है, ये रूट ऑफ नोज है। उसके बाद है नेजल एपिक्स, नेजल एपिक्स भी यहाँ पे मेंशन है। द नेक्स्ट वन इज नेजल ब्रिज, जो कि रूट ऑफ नोज को और नेजल एपिक्स को आपस में जोड़ती है। देन वी हैव नेजल डॉर्सम, ये बिल्कुल साइड का पार्ट है, ठीक है, ये जहाँ पे मेंशन हुआ है। इसके अलावा है इंटीरियर नेरिस, ये जिसको नॉस्ट्रल्स कहते हैं। अब नॉस्ट्रल्स के दरमियान का जो पार्ट है उसको हम कैल्यूमेला कहते हैं। एंड देन वी हैव एली नेसी, जो कि ये पार्ट है, जो कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं थोड़ा उभरा हुआ पार्ट है और ये नॉस्ट्रल की आप ये कह सकते हैं कि लाइनिंग भी है जो कि उसको शेप दे रही है। देन वी हैव नेसोलेबियल फोल्ड, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन हो रही है कि ये नोज के साइड वाला पोर्शन है जो कि एक कर्व की फॉर्म में है, इसको हम कहेंगे। सो नाउ वी हैव बोन्स। एक्सटर्नल नोज में सबसे पहले नेजल बोन यहाँ पे देखें, ये जो बिल्कुल ये पार्ट है सामने, इसको हम नेजल बोन कहते हैं। इसके अलावा फ्रंटल प्रोसेसेस ऑफ द मैक्सिला, ये हो गया। इसके अलावा है पायरोफॉर्म अपर्चर, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। अब फॉर एग्जांपल नेजल बोन का फ्रैक्चर हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेजल बोन फ्रैक्चर जो है वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स वगैरह में, जब कोलिजन हो जाए, जब कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी चोट लग जाए स्पोर्ट के दौरान, ना भी हो, ठीक है, किसी भी फिजिकल एक्सर्शन की वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है। बट नोज फ्रैक्चर जो है वो, नेजल बोन फ्रैक्चर, वो एक्चुअली एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा और भी इशू अराइज हो सकते हैं। ऑब्वियसली हम लोग जो है नोज के थ्रू ब्रीदिंग, जो हमारा रेस्पायरेशन का प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे जो ब्रेन के साथ कनेक्शन है, आईज, हमारे नोज और जो हमारे ईयर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं। किसी एक की भी फंक्शनिंग ख़राब हो जाए तो दूसरे दो की भी फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो रही होती है। वो तो चले, हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, बट ये जो पार्ट है इसको ट्राइंगुलर डेंजर जोन ऑफ द बॉडी कहा जाता है। रीज़न यही होती है कि इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट। नोज़ का जो ये पार्ट है, नोज़ का जो एरिया है, इसको हम कहते हैं डेंजर ट्रायंगल ऑफ द फेस। किस वजह से कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो ब्लड सप्लाई है, स्पेसिफिक ब्लड सप्लाई, वो जाहिर सी बात है कि जो हमारा नोज़ है वो ब्रेन के साथ भी एक तरह से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जो नेज़ल एरिया है वहाँ से इन्फेक्शन डायरेक्टली स्प्रेड कर सकता है ब्रेन की तरफ। इसी वजह से वो एरिया जो कि आपके माउथ रीजन को कवर करता है, बिटवीन योर आइज और आपके नोज़ और मैक्सिला का जो भी पार्ट है, इसको हम डेंजर ट्रायंगल ऑफ द फेस कहते हैं, जो यहाँ पे ये इस डायग्राम में मेंशन हुआ है। देन वी हैव नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में सबसे पहले हम नेजल वेस्टिबल्स को देखेंगे। आप यहाँ पे डायग्राम में इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। नेजल वेस्टिबल एक्चुअल में एक इंटीरियर और इंफीरियर पार्ट है नेजल कैविटी का, जिसमें जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो स्किन है, जो इसकी ऊपर की लेयर है, उसके अंदर से ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, हेयर फॉलिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं और हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर को क्लियरली देख सकते हैं।
देन वी हैव द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ नोज, जिसको हम पैरानेजल साइनसिस कहते हैं. पैरानेजल साइनसिस हम या साइनसिस उन पार्ट्स को कहते हैं जो कि एयर फिल्ड स्पेसेस होती हैं, सैक्स होती हैं या फिर बोनी कैविटीज़ होती हैं, जो कि आप देख लें कि फेस और स्कल में कुछ इस तरह से लोकेटेड हैं, जो कि यहाँ पे आपको पिक्चर में क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये साइनसिस होती हैं. अब यहाँ पे किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाने की वजह से साइनोसाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस को हम साइनोसाइटिस कहते हैं, और उसकी वजह से नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और भी हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन ईजिली जो है वो कैच कर लेते हैं वो इंडिविजुअल जिसको इसका इशू हो, ठीक है, या जिसका इन्फेक्शन जो है वो साइनस में फैल जाए. अब इसके अलावा आप यहाँ पे देखें पैरानेजल साइनसिस यहाँ पे क्लियरली मेंशन है. मैक्सिलरी साइनसिस जिनको एम से मेंशन किया हुआ है, फिर है एथमाइड साइनसिस जो कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. पीछे हमने डिस्कस किया कि एथमाइड बोन्स हैं और फिर हमने कहा स्फिनाइड्स बोन है, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कौन सा पार्ट एथमाइड है, कौन सा मैक्सिलरी पार्ट है, कौन सा स्फिनाइड पार्ट है, इसके अलावा कौन सा फ्रंटल साइनसिस में आता है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रही हैं, बड़ा ही ऑब्वियस सा दिखाई. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. और अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल की और भी वीडियोज़ देखें और आपके पास दूसरी वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.